हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलन पैटर्न। हमें इस पैटर्न को क्या करना है, कंप्लीट करना। तो हम पहले देखेंगे हमारा क्या 294 है, फिर 296 है। देखो देखो 29 तो यहाँ पे 29 भी आया, यहाँ 4 के बाद कितना हो जाएगा 6 हो गया। तो इसका मतलब हमारा 2 का क्या चल रहा, डिफरेंस चल रहा, तो 298 हो जाएगा। अब 298 में अगर 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। इसमें अगर 2 प्लस करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 302 हो जाएगा। यहाँ 304 दे रखा, अब इसमें 2 प्लस करो तो क्या हो जाएगा, 306 हो जाएगा। ऐसे हम देख रहे 314 है, फिर 24 है। देखो इन दोनों के बीच जो अगर डिफरेंस देखेंगे 10 का है, कितने का, 10 का। इसमें 14 में 10 प्लस करेंगे तब 24 आ रहा, तो यहाँ अगर मैं 10 प्लस करूँ तो कितना आ जाएगा, 334 आ जाएगा। यहाँ मैंने 10 प्लस किया तो 44 आए, तो अगर मैं यहाँ 10 प्लस करूँ तो 354 आ जाएगा। ओके, ऐसे मैं यहाँ 10 प्लस करूँ तो 366 आएगा, ठीक है, 64 आएगा, सॉरी कितना आएगा, 64। यहाँ अगर मैं 10 प्लस करूँ तो 374 आ जाएगा। ओके, ऐसे अगर यहाँ देखूँ 544 है, यहाँ 547 है, इन दोनों के बीच कुछ डिफरेंस कितने का चल रहा, 3 का चल रहा है, कितने का चल रहा, 3। जब हमने प्लस 3 किया तब जाके 47 आए, तो यहाँ भी 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 550 आ जाएगा। अब यहाँ प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, 3 प्लस करेंगे 315 आ रहा। यहाँ हम 3 प्लस करेंगे 356 आ जाएगा, 3 प्लस करेंगे 559 आ जाएगा, और यहाँ 562 है, अगर यहाँ प्लस करेंगे 565 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 680 है। अब यहाँ कितना आएगा, यहाँ 90 है, इसके भी यहाँ कितना आएगा, इसका यहाँ 685 आएगा, क्योंकि 5 का डिफरेंस चल रहा, फिर 695 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा, ये 705 है, यहाँ 710 आ जाएगा, फिर 715 आ जाएगा, 825 है, फिर 45 है, फिर 65 है। इट मीन्स 45 से अगर 25 माइनस करेंगे 0 और कितना आ रहा, 2, 20 का डिफरेंस आ रहा, तो फिर यहाँ 20 प्लस कर दो, 65, 75, 85 आ जाएगा, 885। यहाँ 20 प्लस कर दो, ठीक है, तो 5 का 5 रहेगा, 10 हो जाएगा, और ये 905 आ जाएगा। यहाँ 20 प्लस कर दो कितना आ जाएगा, 925 आ जाएगा, फिर 20 प्लस कर दो कितना आ जाएगा, 945 आ जाएगा। तो इस ढंग से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके,